dette som jeg vil anta et av de første mobile biotoalettene i historien. Her har du altså høy oppi her. Og så tar du opp lokket forhåpentligvis. Og setter det ned på her. Og da... Bak garden bedre. कल वैसे कैमरा बंद होने के साथ मेरी वीडियो भी ख़त्म हो गई थी, उसके अलावा कुछ और था भी नहीं दिखाने को, लेकिन मैं वहीं से दोबारा वीडियो शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इस होटल का रिव्यू बनता है। तो चलें आपको थोड़ा होटल दिखाते हैं। Fredriks bar, oppkalt etter Fredrik Fleischer, som etablerte hotellet tilbake i 1864. Han var fra Voss, reiste tidlig til utlandet, seilte på The Seven Seas, som vi sier, og endte altså opp i den amerikanske borgerkrigen på nordstatene sin side. Og der var han i 2 år, fra 62 til 64. Faren hans døde her på Voss, og da kom han tilbake. हमारे लिए नाश्ता करना बहुत ज़रूरी था, सो इट वॉज ब्लेसिंग टू हैव स्टेड इन फ्लैशर्स एज दे हैव ब्रेकफास्ट बुफे इंक्लूडेड विद द स्टे। ओके, सो दिस इज़ टिपिकल। जिस दिन हमें जाना है, जिस दिन हमारा लास्ट डे, उस दिन मौसम जो है वो इतना खूबसूरत हो गया है। और पिछले 3 दिनों से बारिश, क्लाउडी मौसम था, हवा तेज़ चल रही थी, उसकी वजह से मैं ड्रोन भी नहीं उड़ा पाया। मैंने कोशिश की, लेकिन आज जो है वो मौसम ऐसा हो गया जिस दिन हम वापस जा रहे हैं उसरो की तरफ। लेकिन अभी हमें एक दो जगहों पर रुकना है और बहुत खूबसूरत जगह है, मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पर। आज देखते हैं क्या सीन है, और आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो देखते रहिए। वॉस से हमने आगे रुख किया फुलगे फोमा का। नॉर्वे हलाल टूर्स के बाद जितने भी इंटरनेशनल कस्टमर्स आए हैं उनको पूरे ट्रिप में सबसे खूबसूरत जगह फुलगे फोमा लगी। आई हैव नेवर बीन देयर बिफोर, सो लेट्स सी। हाँ जी, तो आज का हमारा पहला स्टॉप साइंस दल फोसन। अभी हम इसके बीच में से पैदल जाएंगे, एक रूट उन्होंने बनाया हुआ है पैदल चलने का, तो हम इसके बीच में से होते हुए जाएंगे और उसका फिर मज़ा ही अलग होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नेचर को करीब से एक्सपीरियंस करने का जो मज़ा है वो दूर से देखने में नहीं है। तो वाटरफॉल्स तो बहुत सारी देखते रहते हैं और इस रास्ते में बहुत सारी वाटरफॉल्स देखी हैं, लेकिन उसके बीच में से जो पैदल जाएंगे ना उसका मज़ा ही अलग आएगा। ऐसा है या ठीक है ना? मैं
वैसे जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो इस नेचर के करीब वो कितने प्योर होंगे एक्चुअली यार, सोचे उनकी हेल्थ से कितनी बेहतर होगी। हाँ, ऑक्सीजन वाली एयर है, प्योर ऑक्सीजन वाली एयर। ऐसा लिख लेंगे बुक फ्रा वाई ना, और सामने इतनी खूबसूरत कुदरत के नजारे। इसका शोर बहुत ज़्यादा है, मेरी आवाज़ शायद वो कम सुनाई दे, लेकिन साइंस दल पोसन बहुत ही खूबसूरत जगह है। और आज की जो हमारा पहला स्टॉप था, और इसके बाद हमें जाना है फुलगफोना, लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि मैं सुना था रास्ता वहाँ पे थोड़ा ख़राब है, रास्ता बंद है आज। लेकिन अगर मैं सिर्फ कहूँ कि आज हमने यही देखा और यही हमारे दिन का एक डेस्टिनेशन थी, तो मेरे ख्याल से ये पूरे दिन के लिए काफ़ी है। इट्स सो ब्यूटीफुल। और आप जब भी आए नॉर्वे, या अगर आप नॉर्वे में हैं, तो इस जगह पे ज़रूर आना है, साइंस डॉल्स पोसन। हरडोंगर में है ये, हरडोंगर कम्युने में, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा जी, हमें अभी जाना था यूंदाल। यहाँ से फेरी लेके जो है वो पहाड़ के यानी समंदर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना था, लेकिन ये फेरी जो है वो बंद हुई हुई है टेम्परेरली। और लग ऐसा रहा है कि हमारा आज का टूर यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि फेरी जो है वो मुझे मालूम नहीं था उसमें, क्योंकि मैप पे जो है वो आ रहा था कि खुली हुई है, लेकिन अभी मैंने देखा यहाँ पे उन्होंने बंद किया हुआ है, और ये 14 जून तक जो है वो बंद है। 14 जून के बाद खुल जाएगा एज़ नॉर्मल। तो वो एक फेरी जा रही है, लेकिन वो उसमें गाड़ी नहीं जा सकती, जिस जो गाड़ी लेके जाती है वो बंद है। तो काफ़ी हम घुमा के भी ले आए गाड़ी, लेकिन और कोई दूसरा अल्टरनेटिव भी इस वक्त नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि हमें फिर यहाँ से वापस ड्राइव करना पड़ेगा जहाँ से हम अभी आए हैं, और फिर वापस ओस्लो की तरफ। तो ये एक थोड़ा सा अनफॉर्चुन हमारे साथ हो गया है, अनफॉर्चुनेट रहे हम इसमें। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि साइंस ऑफ फोसन, अगर हमने सिर्फ वही हमारा एक डेस्टिनेशन होती आज के दिन की, तो वो काफ़ी थी, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जगह थी, उसमें उसको देख के इतना मज़ा आ रहा था, उसको एंजॉय करने में इतना मज़ा आ रहा था कि वो पूरे दिन के लिए काफ़ी थी। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं समंदर के अंदर से जाऊँ, फ्यूर के अंदर से जाऊँ, लेकिन ये बंद है। तो हम वापस जा रहे हैं इधर से, मेरे ख्याल से अब ओस्लो की तरफ वापस ड्राइव करेंगे। तकरीबन 7 घंटे का रास्ता है, और कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी ज़रूर इंशाल्लाह, तो हम रोकेंगे, आप हमारे साथ रहिए। हाँ जी, तो हम लोग इस वक्त जो है वो एक रुके हुए हैं, एक छोटे से स्टॉप हमने लिया है आइस फ्यूर में। ओस्लो जाते वक्त रास्ते में पड़ेगा अगर आप इसी रास्ते से आ रहे हैं। तो आइस फ्यूर एक छोटा सा टाउन है, और बड़ा खूबसूरत सी जगह है, बहुत खूबसूरत सी जगह है, और बहुत खूबसूरत से लोग हैं यहाँ पे। मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पे रुका था थोड़ी देर, लोगों से बातचीत हुई थी, तो बड़ा मज़ा आया था। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, खुश अखलाक हैं। तो वैसे जनरली नॉर्वे में बड़े अच्छे लोग हैं, आमतौर पर आपको रास्ते में जो भी मिल जाते हैं तो बातचीत करने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप है, कुछ थोड़ा पेट पूजा भी तो करनी है ना यार। तो अभी वाइफ गई हुई है वहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े उधर कुछ लेने के लिए, और हम भी थोड़ा टांगे सीधी कर लें, देर से गाड़ी चला रहे हैं। तो नमाज वगैरह यहाँ पे पड़ी, अब बेंसिन डाला, वॉशरूम और खाना। इतना छोटा सा स्टॉप के लिए इंसान जो है वो आइस फ्यूर में जो है वो रुक सकता है।
ड्राइविंग टूवर्ड्स याइलू फ्रॉम आइसफ्यूर, तो वेरिंग फोसा पे रुकना मत भूलिएगा क्योंकि इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाटरफॉल ऑफ नॉर्वे। और मुझे तो खैर ऊंचाई से बहुत डर लगता है और इस वाटरफॉल को आप करीब से नहीं देख सकते, लेकिन उनको चेक करें ज़रा। बस भाई इससे ज़्यादा मैं करीब नहीं आ सकता, मुझे डर लग रहा है। तो लेकिन ये कि ये बहुत ज़बरदस्त है, तो डोंट फॉरगेट टू स्टे ओवर हियर और स्टॉप, टेक अ स्टॉप ओवर हियर व्हेन यू आर ड्राइविंग टूवर्ड्स आइसफ्यूर टूवर्ड्स याइलू। ऑब्वियसली आपके पैकेज में शामिल होगा, अगर आपने नॉर्वे हलाल टूर्स से पैकेज लिया हुआ है तो आपके पैकेज में यूजुअली शामिल होता है, जैसे हमारे भी था। और बहुत ज़बरदस्त जगह है यार, बहुत ज़बरदस्त जगह है। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब द ब्यूटी, लेकिन क्या करें। अच्छा, अगर आप लोग याइलू की तरफ जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं और हाडोंगिर विद्या से लेकर याइलू की तरफ जा रहे हैं, तो इस रास्ते पे ज़रूर रुकिएगा क्योंकि यहाँ बड़ा सुकून है यार। ये एक पहाड़ का टॉप है जिस पे पूरे साल पूरे वक्त जो है वो बर्फ़ रहती है, लेकिन एक अजीब सा सुकून है। और यहाँ पर रुक के फ्रेश एयर लेने का जो है ना, उसकी बड़ी ज़रूरत भी पड़ती है क्योंकि आप इतनी देर से जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जैसे मेरी गाड़ी में अभी दिखा रहा था वो कि टेक अ ब्रेक, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट टू टेक अ ब्रेक। और यहाँ की फ्रेश हवा में थोड़ी देर रुकी इस स्नोई वाइट एरिया का जो है वो मज़ा लीजिए, तो आप काफ़ी हद तक फ्रेश हो जाएंगे। हाँ जी, हम जो है वो इस वक्त याइलू में रुके थे पेंसिलिन डालने के लिए, और नेक्स्ट स्टॉप फाइनल स्टॉप हमारा जो है वो अब ओस्लो होगा। ओस्लो में तो आप मुझे देखते ही रहते हैं मेरी ज़िंदगी को मेरे दूसरे व्लॉग्स में, तो चार दिन आपको घुमाया नॉर्वे, अब हम जाके जो है वो ओस्लो में ज़रा अपने घर में आराम करेंगे। जो चार दिनों की वीडियो है उसको स्टार्ट करेंगे इसकी एडिटिंग, तो मेरा ख्याल से अब आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मेरा रूटीन जो व्लॉग होता है डेली लाइफ व्लॉग, उसमें तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो कैसा दिया? नहीं दिया अच्छा। तो ये हमारे फोर्थ डे की फोर्थ वीडियो थी, और अभी जब मैं ये सारी वीडियो एडिट कर रहा था तो वो इतना मज़ा आ रहा था वो सारी फुटेज देख के और इतनी खूबसूरत सीनरीज देख के। एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक नॉर्वे हलाल टूर्स, जिन्होंने जो हमारा सारा ये टूर जो है वो अरेंज किया था, एंड दे डिड इट परफेक्टली। बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने अरेंज किया था, हर चीज़ जो है वो परफेक्ट थी। और अगर आप नॉर्वे में रहते हैं और अभी तक आपने जो है वो अपना समर वेकेशन प्लान नहीं किया हुआ, तो कॉन्टैक्ट नॉर्वे हलाल टूर्स, और इफ़ यू आर लिविंग अब्रॉड एंड यू हैव नॉट प्लान योर वेकेशन, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन, सो यू मस्ट कॉन्टैक्ट नॉर्वे हलाल टूर्स फॉर बेस्ट एंड ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक एक्सपीरियंस ऑफ नॉर्वे। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। एक छोटी सी टिप जाते जाते दूँ, जब आप ये मेरी फोर्थ एपिसोड देख चुके हैं तो इस नॉर्वे ट्रैवलॉग का मेरा टीज़र जाके देखिएगा, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम।
so blue, leaving me on the spot so confused. Oh baby.